हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं लौकी के मुठिया बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं, लौकी के मुठिया बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप गेहूं का आटा, बेसन, लौकी, यहाँ मैंने आधा छोटा टुकड़ा लौकी का लिया है, हींग, अदरक बारीक कद्दूकस किया हुआ, बारीक कटा हरा मिर्च, ऑयल, नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। तो चलिए देखते हैं, लौकी के मुठिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। लौकी की मुठिया हम बनाएंगे स्टीम करके। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और गैस को मीडियम कर दिया है और मेरे पास ये इस तरह की एक छलनी है जिसे मैंने ऑयल लगा के चिकना कर लिया है और अब इसको हम इस पे रख देंगे और इसके ऊपर से हम लगाएंगे ये ढक्कन। इस तरह से ये ढक्कन लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे हमें क्या करना है। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, हम अपनी लौकी को छील के कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लौकी को पहले से छील के नहीं रखा है क्योंकि लौकी छीलने के बाद वो काली पड़ने लगती है, इसलिए हम इसे थोड़ा बाद में ही छीलेंगे। चलिए अब हम अपनी लौकी को छील के और कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपनी लौकी को छील लिया है। हमेशा लौकी इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि उसके अंदर बीज नहीं होने चाहिए। अगर उसके अंदर ज्यादा बीज हैं तो आप ये बीज वाला हिस्सा निकाल के उसके बाद लौकी को घिस लें। और अब हम लौकी को घिस लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये महीन वाला है और ये मोटा और ये मीडियम साइज, तो हम मीडियम साइज वाले से अपनी लौकी को घिस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी लौकी घिस के तैयार है। अब हम इसको हाथ से दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लौकी को अलग कर लिया है, उसका पानी अलग है। इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम अपनी मुठिया में ही आगे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कद्दूकस करने के बाद मेरे पास उतनी ही लौकी है जितना कि मेरे पास गेहूं का आटा। चलिए देखते हैं अब आगे क्या करना है। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे अपना 1 कप गेहूं का आटा और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच बेसन और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, यहां पर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक, आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल और अब हम डाल देंगे इसमें अपनी लौकी जो हमने कद्दूकस कर ली है और अब हम इसमें डालेंगे नमक आपके टेस्ट के हिसाब से और अब हम इसमें डालेंगे हींग और अब हम इन सबको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। मुठिया बनाते समय हमें पानी इसमें नहीं डालना है, जो हमने लौकी ली है उसी के साथ जब हम इसे मिक्स करेंगे आटे को और बेसन को तो ये अपने आप एक अच्छा सा इसका एक डो तैयार हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें पानी की जरूरत है तो जो लौकी को आपने निचोड़ा था उसी के पानी को इस्तेमाल करें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसका एक आटा लगा लिया है। ये ना बहुत सॉफ्ट है और ना बहुत हार्ड, इस तरह से हमने इसका एक आटा लगा लिया है। अब हम इससे अपने मुठिया बनाएंगे। ये देखिए,
इस तरह से। आप चाहें तो अपने हाथ पे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद इसको इस तरह से, हमें इसका साइज थोड़ा मोटा ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से हम अपने मुट्ठियों को बनाकर अपने स्टीमर में रख देंगे जो हमने पानी उबालने चढ़ाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये मुठिया बन के तैयार हैं। अब हम इन्हें स्टीमर में रख देते हैं। ये हमारा स्टीमर अच्छे से गर्म हो चुका है और अब अपने मुठियों को हम इसमें रख देंगे और 15 से 20 मिनट तक हम इन्हें मीडियम आंच पे इसी में स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम अपनी मुठिया को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और आप चाहें तो इन्हें चेक कर सकते हैं एक चाकू की सहायता से। आप इसमें चाकू लगा के देखिए, अगर चाकू पे ये नहीं चिपक रहे हैं तो ये अच्छे से पक गए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि चाकू पे नहीं चिपक रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छे से पक गए हैं। चलिए आइए अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम अपने मुट्ठियों को निकाल के अच्छे से पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तभी हम इन्हें काटेंगे। जब तक हमारे मुट्ठिये ठंडे हो रहे हैं हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मुठिया के तड़के के लिए हमें चाहिए होगा राई, कड़ी पत्ते, सूखी लाल मिर्च और कुछ बारीक कटा हरा धनिया। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मुठिये ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मुठिया कट के तैयार हैं। चलिए आइए अब इन्हें तड़का लगा लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। हम अपने मुठियों को शेलो फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे फिर एक छोटा चम्मच राई, कुछ कड़ी पत्ते, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। जब ये मसाले हमारे अच्छे से कड़क जाएंगे अब हम इसमें डालेंगे अपने मुठिया। और इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब दोनों तरफ से इन मुठियों को हम कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, एक तरफ से हमारे मुठिये सिक गए हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये देखिए, और गैस को मीडियम ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम अपने सभी मुठियों को सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मुठिये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। और अब हम इन पे डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये तैयार है हमारे मुठिया। आइए इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार है झटपट और आसान तरीके से लौकी के मुठिया। तो आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।